नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब अपने किसी भी ओनर के डिवाइस पर आप डेटा यूजेस सेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है कहाँ पर जाके आपको डेटा यूजेस सेटिंग्स वगैरह करना है, तो डेटा सेवर वगैरह दोस्तों इनेबल करने का ऑप्शन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, डेटा लिमिट सेट करने का ऑप्शन भी वहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पूरा जो है दोस्तों यहाँ पर डेटा यूजेस के अंदर पे जितने भी सेटिंग है मैं आपको शो करके इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो जितना भी पॉसिबल हो सके दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। पूरा आपको यदि जाना है प्रोसेस तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे तरफ से जो है लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटा यूजर सेटिंग के लिए आपको ओपन करना है अपना सेटिंग। उसके बाद यहाँ जो वायरलेस एंड नेटवर्क का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है, डेटा यूजर्स पर आपको जाना है। और दोस्तों ये हो गया आपका डेटा यूजर्स का सेटिंग्स, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों। तो सबसे पहले स्मार्ट डेटा सेवर, यदि आपने डेटा सेवर ऑन किया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर यह बटन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से दोस्तों स्मार्ट डेटा सेवर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। स्मार्ट डेटा सेवर हेल्प्स रिड्यूस डेटा यूजेस बाय प्रिवेंटिंग एप्स फ्रॉम सेंडिंग और रिसीविंग डेटा इन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप स्मार्ट डेटा सेवर को यूज़ करते हैं तो सारे जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, सारे एप्लीकेशन जो है उसको बैकग्राउंड पे वो ऑफ़ कर देते हैं और बैकग्राउंड पे कोई भी इधर उधर से दोस्तों जो है डेटा को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों ये सेटिंग आपको दिया गया है। तो चलिए इसको ऑफ कर देता हूँ अभी। तो आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं सेलेक्टेड ऐप आर अलाउड टू अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस डेटा। तो आप दोस्तों यहाँ से पूरा जो है एप्लीकेशन को बैकग्राउंड पर से जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा को आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कोई एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा यूजेस ले रहा है तो आप उसको जो है यहाँ पर ऑफ़ कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है, बस आपको इनेबल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क को यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा एप्लीकेशन जो है नेटवर्क आपका एक्सेस कर रहा है तो वो सब दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। मोर डेटा सेटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो मंथली डेटा लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सेट करते हैं मंथली डेटा लिमिट अप टू यहाँ पर 500, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोबारा से कटे 500 GB, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 500 GB करके इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली डेटा लिमिट आपका हो गया 500 GB, ठीक है। तो आपका दोस्तों जब डेटा लिमिट पहुँच जाएगा तो दोस्तों वो अपने आप ही आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको तब काम आते हैं जब आप दोस्तों यहाँ पर 1 GB का नेटपैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर 1 GB नेटपैक यूज़ कर रहे हैं और दोस्तों आपका नेटपैक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आप दोस्तों यहाँ पर सेट करते हैं इस GB को MB के जगह पर। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कभी कभी जो है नोटिफाई नहीं किया जाते है मैसेजिंग के थ्रू, ठीक है। कंपनी आपको यहाँ पर कभी कभी जो है अंत तक आपको मैसेज नहीं भेजा जाता है कि आपका इतना % यूज़ हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि आप 700 MB यूज़ करके आप 300 MB सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 700 करके ओके कर देने का है, ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर MB है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट डेट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कब से आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 8, उसके बाद आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, डायरेक्टली डेट को एंट्री कर देना है और दोस्तों इससे इस डेट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यूजेस रिमाइंडर्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है और यूजेस रिमाइंडर जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। व्हेन ओवर मंथली लिमिट, तो यहाँ से दोस्तों आप जाके इनेबल कर सकते हैं आपका रिमाइंडर नोटिफाई मी, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर डेली डेटा रिमाइंडर नोटिफाई मी व्हेन माय डेटा यूजेस रीच 10%, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर डेटा पूरा सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो ऐसा काम करते हैं दोस्तों आपका डेटा यूजेस,
तो ये है दोस्तों आपका ओनर के डिवाइस का डेटा यूजेस सेटिंग। यहाँ से दोस्तों आप डेटा यूजेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डेटा लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फ्यूचर्स, क्या क्या फंक्शंस है डेटा यूजेस के अंदर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।